आज हम काझा पंचायत के वर्तमान सरपंच और भावी प्रत्याशी इस बार फिर मैदान में अपना भाग आजमाने के लिए मनोज जी फिर से खड़े हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया, कितना न्याय किया इस क्षेत्र में, और कितना न्याय का जो है इसको अब जो जितना ये न्याय किए थे उनका वक्त आ गया है, अब उनका फल इनको मिलना चाहिए। तो उनसे हम बात करेंगे कि सरपंच पद पे रहते हुए उन्हें काम करने में क्या कठिनाई हुई और क्या अच्छा काम किए। जैसे कि भूमि से संबंधित समस्या हर एक क्षेत्र में के नगर प्रखंड में वृहद पैमाने पर है, और भूमि का समाधान इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से किया, कितने केसेस इसके रीजन में थाना गए और कितना को इन्होंने अपने रीजन में सॉल्व किया। चलिए आपको मिलाते हैं काझा पंचायत के मनोज जी से, सरपंच, भावी उम्मीदवार सरपंच और वर्तमान उम्मीदवार सरपंच। परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर, ग्राम बनिया पट्टी, पोस्ट काझा, थाना के नगर, जिला पूर्णिया का रहने वाला हूँ। आप 5 साल सरपंच रहे, क्या कठिनाई हुई आपको इस 5 साल में, कुछ कठिनाई हुई काम करने में? ऐसे पंचायती राज व्यवस्था में हम 15 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें कि 2006 से 2011 तक हम वार्ड पंच रहे, और 11 से लेकर के 16 तक वार्ड पंच फिर पुनः रहे, और 16 से 2020 तक जनता ने हमें सरपंच 21 दिया मौका, और 21 से अभी तक जो है हम पंचायती व्यवस्था में काम किए। ग्राम कचहरी में मेरे पंचायत में 97 केस 5 साल में अभी तक में हुआ, जिसमें कि लगभग 90-92 केस का निष्पादन हम यहीं किए गांव में पंचायत के द्वारा, और जिला से 6-7 रिकॉर्ड का जो है कि वहां से आया सिज्जम साहब के यहाँ से, उसमें भी हम पूरा पहल कर करके यहाँ का जो है कि लमसम 4 केस का निष्पादन कर दिए। 4 केस का? हाँ, 2 केस जो है कि बचा हुआ है। अगर मौका मिलती है आपको तो ऐसा लग रहा है कि ये काम छूट गया था, ये काम करना था, अगर जनता फिर से आपको मौका देती है तो क्या काम करेंगे? हमारा तो यही रहेगा कि जो है कि 15 साल का मेरा जो अनुभव हुआ, हर घर का भूमि विवाद हो कि और सब किसी भी तरह का विवाद हुआ, हम पूर्ण रूप से पहल कर करके उसका जो है कि थाना जाने का मौका नहीं दिए, और लमसम वैसने घटना जो है कि वैसा घटना कोई वैसा हो गया कि जो कि थाना जाने लायक है, तब हम थाना जो है कि गया लोग। लेकिन हमारा कोशिश हर समय रहा है कि हम जो है उसको गाँव में ही विवाद का समाधान करें, और पंचायती राज व्यवस्था जो सरकार ने दिया गया है लोगों का नजायज पैसा खर्च नहीं होने का, वो तो हम जो है कि हर समय हर वक्त करते रहेंगे और करते भी हैं। कहीं ना कहीं सरपंच एक मुख्य पद है पंचायत पे, सरपंच अगर चाहे तो मुखिया के कार्यों की समीक्षा कर सकता है, उस पर नोटिस करा सकता है, अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा काम तो वो ग्राम कचहरी में उस मामले को ला सकता है। क्या लगता है आपको कि ऐसे कोई मामले अगर आपको फिर से जनता जिताती है तो ऐसे मामलों पे क्या आप संज्ञान लेंगे? जहाँ तक है कि मुखिया कोई भी कार्य को जो है अगर लगागा कि नहीं हाँ जहाँ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए हम सक्षम रहेंगे कि न्याय का कार्य हो, गलत पंचायत में नहीं हो, अच्छे ढंग से रोड बने और हर व्यक्ति को जो लाभ है वो लाभ मिले, लाभ से वंचित एक भी लोग नहीं हो चाहे जिस भी मामला में। आप क्या आप जो है अगर इस बार मौका देती है जनता, क्योंकि आपके कामों से वो संतुष्ट है और आप इस बार फिर से मैदान में हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? कि लोगों से हम यही अपील जनता से अपना करते हैं कि 15 साल हम जो कार्य किए, हमसे अगर 5 साल लोग संतुष्ट हुए तब पुनः फिर दोबारा पंच हमको बनाए थे, 10 फिर 5 साल जो है कि अब सरपंच पद पर निभाए हैं, और कोशिश हम करेंगे हमसे जो है कि जो भी कार्य जो है कि उसमें सहमति करेंगे, और हम जो है कि उनका कार्य पूर्ण दिल से जो है कि, और भूमि विवाद का जो भी संबंधित है मामला, अक्सर करके अभी पंचायत में जितना भी विवाद है वो जमीन का ही विवाद है,
और जमीन का विवाद में हर समय हम कोशिश करते हैं, चाहे सीओ साहब से मिल करके हो, कर्मचारी से मिल करके हो, मेरे गांव का विवाद भूमि संबंधी खत्म हो जाए। क्योंकि बहुत ऐसा व्यक्ति है जो कि एक आदमी को दोनों का, एक जमीन का दोनों को रसीद करता है, और उस पर जा करके हम जो है कि उस पर विचार कर करके देखते हैं कि किनका रसीद सही है, किनका गलत है, किनका जायज है, किनका नाजायज है, उस पर मिल करके अगला से जो है कि हम अगले पदाधिकारी से तो निष्पादन अगर करते जीतते हैं तो दोबारा इस बार फिर से अगर आपको मौका, जनता मौका देती है, अगर आप सरपंच चुने जाते हैं तो क्या आप लगता है कि यहाँ पे भूमि से विवाद से संबंधित सीओ या वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करके आम सभा या ग्राम सभा लगाने की कोशिश करेंगे? जी, हम भूमि विवाद जितना संबंधित मामला है, पहले तो हम अपने पंचायत से ही करते हैं कि यहाँ सॉल्व हो जाए, मेरे यहाँ आवेदन दे करके हम उस मामला को जो है कि यहाँ रफा दफा करवा दें, दोनों को आपस में कंप्रोमाइज करा दें। उसके बाद सीओ साहब के नज़दीक जाते हैं, अगर नहीं यहाँ जो है दोनों पक्ष में सामंजस्य हो पाया तो सीओ साहब के पास जाते हैं। जी, इसके कारण आप न्यायपालिका में हैं और न्यायाधीश ही माना जाता है पंचायत का, अगर आप जीतते हैं तो उस युवा का के भविष्य का सुधार के लिए क्या करेंगे, आपके पास क्या एजेंडा है? नशा के संबंध में तो नशा मुक्ति सरकार का ही है, हम लोग जब सब आदमी एक नहीं होंगे प्लस हम नहीं होंगे तो नशा का जो है पहले अपने आप को ही करना होगा, उसके बाद टोला समाज, उसके बाद पूरा पंचायत का जो है हर युवक को इसकी जो है कि जागरूकता करेंगे कि सब आदमी बैठो, सब आदमी को दिमाग में देंगे कि हाँ जो है इस ढंग का जो है कि सब आदमी चलो, जो कि हम लोग अगर युवा पीढ़ी का लोग इस पर नहीं ये करेंगे तो भविष्य में मेरे आने वाला जो बाल बच्चा होगा वो तो और न गड़बड़ा जाएगा। नशा का जो है कि बहुत ज़्यादा ही हो गया है, ये बात सही है, नियंत्रण करना है। मनोज कुमार ठाकुर।